नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव, हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ पिंकी। यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां कुछ न कुछ मुद्दों पर जनता के सामने अपनी छवि बनाने में जुटी है, जिसमें भाजपा चौकीदार शब्द पर सियासत कर रही है। वहीं इस मामले पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और सलेमपुर लोकसभा के प्रभारी आरएस कुशवाहा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सही मायने में चौकीदार है, जो छोटे तबके के लोग चौकीदारी करते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री उनसे भी यह उनका पद छीन ले तो यह उनका अपमान है। वहीं सपा बसपा के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इनके पेट में दर्द होता है, यह गलत बयानबाजी करते हैं, सभी सीटों को हम ही जीतकर सरकार बनाएंगे। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और परसों हमारा कार्यक्रम था सुजलपुर, सपा बसपा गठबंधन मजबूत है, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है, लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि चुनाव घोषणा हो चुकी है। निश्चित रूप से सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीतेगा और जीत करके देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो सही माने में चौकीदार हैं, जो बहुत छोटे तबके के लोग चौकीदारी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, अब अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वो पद भी उनसे छीन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उनका अपमान है। इसलिए मैं इस पर कोई अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो उनका सबका सम्मान करता हूँ। चौकीदार का मतलब रखवाला होता है, वो भी कहीं न कहीं रक्षा करते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता भी अगर अपने आप को बोले तो ये अच्छी बात है।